आदाब, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया, मैं आपके साथ शाहिद कामरान। देखिए एक खास रिपोर्ट। मधुबनी जिला के लखनौर थाना पुलिस ने एक शौचालय टैंकर से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त किया है, साथ ही टैंकर चालक को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के रुपौली गांव के पास झंझारपुर से मधेपुर जाने वाली मुख्य सड़क के किनारे एक शौचालय टैंकर खड़ी है जिसमें भारी मात्रा में शराब है। इसके आधार पर पुलिस ने छापामारी करते हुए टैंकर से विभिन्न प्रकार के निर्मित 812 लीटर विदेशी शराब जब्त किया है। साथ ही टैंकर चालक दरभंगा जिला के एकला थाना ओपी के निवासी अमरजीत चौपाल और राजीव राम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार बंगाल के दालकुला से चलकर थाना क्षेत्र के रुपौली निवासी शराब तस्कर संतोष कुमार, लालू कुमार और मनीष कुमार के यहाँ पहुँचाने आया था। पुलिस ने बताया कि टैंकर दरभंगा जिला के बरुवाड़ा गाँव के राजू सहनी का है और ये व्यक्ति भी शराब तस्करी में संलिप्त है। वह झंझारपुर एसडीपीओ ने प्रेस वार्ता की और फिर शराब तस्करी के बारे में जानकारी दिया। देखिए आशीष आनंद एसडीपीओ झंझारपुर ने क्या कहा। धन्यवाद। लगातार दो दिन से यह मामला चल रहा है और काफ़ी हम लोग उस पर विस्तृत छानबीन कर रहे हैं। इस संदर्भ में उनसे भी पूछताछ की जाएगी कि यह कब का मामला और क्या मामला है, और जिस स्पॉट की बात है उसका भी तत्काल थानाध्यक्ष झंझारपुर द्वारा निरीक्षण किया गया है और जो भी सत्यापन के बाद क्लियर होगा उस पर भी सम्मत कार्रवाई की जाएगी। 8 बजे के आसपास थानाध्यक्ष लखनऊ रानी जी को यह खबर मिली कि एक टैंक लॉरी में अवैध इंग्लिश शराब ले जाकर परिवहन किया जा रहा है। त्वरित कार्रवाई करते हुए इनके द्वारा रेड किया गया जिससे एक चालक और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया गया। चालक अमरजीत चौपाल और राजीव कुमार उसका सहयोगी है, दोनों दरभंगा के रहने वाले हैं और इसका जो गाड़ी का मालिक है वह भी राजू सहनी जो जिसके द्वारा यह धंधा करवाया जाता है वो भी दरभंगा के ही रहने वाले हैं। ये लोग दालकुला से इस चीज़ को ला रहे थे। स्थानीय स्तर पर रुपौली गाँव जो कि लखनऊ थाना अंतर्गत ही आता है उसके संतोष और लालू और मनीष महतो तीनों भाई हैं आपस में और इनके द्वारा पहले भी ये लोग इसमें से जेल जा चुके हैं और इन्हीं के द्वारा यह लीकर यहाँ लखनऊ मंगवाया गया था। इस स्तर पर हम लोग और भी छानबीन कर रहे हैं। लगभग 812 लीटर के आसपास लीकर की बरामदगी हुई है और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी है उसके आधार पर हम लोग उसका छानबीन कर रहे हैं और जो चालक के द्वारा कहाँ कहाँ इससे पहले डिलीवरी किया गया, कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, इस पर विस्तृत छानबीन चल रही है। छोटी बड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।